teachers, baby, I'll see ya. You've been talking all this bullshit, down in my head. I ain't falling for your teachers, baby, I'll see ya. You've been talking all this bullshit, down in my head. ये है छप्पन भोग और छप्पन भोग के सामने जो है अभिषेक भाई। ये भीड़ देख रहे हैं आप, देखो ना भैया, ये छप्पन भोग का भीड़ है, पकड़िए अपना। हाँ तो सर बताइए, छप्पन भोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर आप बताइए, आपको क्या यहाँ दिक्कत आ रही है? सर यहाँ पे हमारी बातें सुनने के लिए कोई नहीं, हमारा ऑर्डर देना चाह रहे हैं। सर मास्क लाए, कौन बात सुनेगा यहाँ पर? किसी की बात सुनी जा रही है कि सुनी जा रही है? आपका ऑर्डर लिया गया, कि नहीं लिया गया? केसर जलेबी 600 रुपए केजी। अभिषेक सर आया कि नहीं आया आपका? मतलब ऑर्डर ले लिया है ना? आधे घंटे में आ जाएगा। आधे घंटे में आ जाएगा? कैसा है इसे खोलिए फिर बताता हूँ कैसा है। गोट से ज्यादा है क्या मिठाई? ये देख लीजिए, आपकी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, बता दूंगा छप्पन भोग में हमारे जो ऑर्डर है। आप तो कुछ डिस्काउंटेड दे दीजिए। हाँ दे रहा है सर, चढ़ा गाड़ी क्या फिलिंग करना है? ड्राइवर फेंकने के लिए हमको मिला है क्या? बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ कालापन में। हम निश्चित से कह रहे हैं थोड़ा ही कम होगा, कह रहे नहीं ये बेचती है। मिनी क्रेट आया वो। आईफोन आपका रखा आगे? हाँ तो कैसा लगा सर बताइए? मिठाई खाकर कैसा लगा आपको? और अभिषेक भाई हेलो, बहुत अच्छा लगा। अरे बैठेंगे, आंधे 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 पीछे पपीता है, बचा कर आंधे 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 पपीता हटाए हुए हैं। किधर निकलना है? नीरज भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने मिठाई खिलाई हम लोगों को। किसने खिलाई? हाँ किसने खिलाई? नीरज भाई ने। नीरज भाई ने? अच्छा हाँ। अरे पैसा गिर रहा, देखो काजू कतली निकल रही है। इलेक्ट्रिक वाली ही चाहिए। पता नहीं क्यों हमको सामने से देखने में अच्छी लगती है, जब देखते हैं वीडियो में नहीं अच्छी लगती। इसको निकालिए बाहर लेके चले, वो धनतेरस को चाहिए था हमको, तो निकल गया ना। अरे कितना टेस्ट ड्राइव बिता चुका है ये? अच्छा ऑटोमेटिक वाली है, मतलब हाइट अच्छी खासी इसकी है। ये हम लोग हैं MG मोरिस गैराज के शोरूम पर, और यहाँ पर दोस्त ने ऑर्डर किया, एक्चुअली बुक किया हुआ है MG एस्टर। तो एस्टर देखते हैं कब तक मिलता है, क्योंकि बुकिंग इतनी ज़्यादा है मुश्किल है मिलना। अब देखते हैं मिल पाता है या नहीं। नहीं सर वैसे नहीं अच्छी लग रही थी, मैं सामने देखा तब अच्छी लग रही है। एस्टर ये रंगोली खराब कैसे हो गई? ओहो बहुत दुख हो रहा है, अगर होता तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। सब खराब हो गया बताइए। नहीं क्लास तो है, डिस्प्ले काफी बड़ा दिया हुआ है इसका है। डिस्प्ले काफी बड़ा 360 कैमरा लगा कहाँ पर इसका है? 360 कैमरा है, दो इसमें लगे हैं, एक इधर इधर, एक आगे एक पीछे। टी शर्ट मिलेगा आगे। अभिषेक भाई
एमजी के लिए जो बुकिंग कराए हुए थे और ये शोरूम वाले कह रहे हैं नहीं देंगे, मतलब क्या बताएं, उन्होंने तो कसम खा लिया हुआ है कि इम्पॉसिबल है। धनतेरस दिन इन्होंने बात किया कि धनतेरस दिन आपको गाड़ी पकड़ा देंगे, लेकिन धनतेरस बीत चुका है, अभी तक भाई साहब कह रहे हैं कि सॉरी भैया गलती हो गई, माफ़ करिएगा। आपको दिखाते हैं कि एमजी एस्टर जो कार बुकिंग थी वो किस तरह की है, अंदर से देखते हैं ना। अभी ये है कार, मुझे क्योंकि वीडियो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सामने से देखने में बढ़िया है, मतलब बड़ी लंबी गाड़ी है, हमको लग रहा कि छोटी होगी लेकिन काफ़ी अच्छी है और अंदर से भी काफ़ी ज़बरदस्त लुक है। अभिषेक भाई अपनी जो बलेनो थी उसे निकाल करके ये ले रहे हैं। इंसान को कार नहीं मिला है तो टाइम पास किया, जब तक कार मिलेगा नहीं ये जाएगा नहीं, जाएंगे नहीं, अब ये पूरी गाड़ी बना के यही गाड़ी लेके जाएंगे, यही गाड़ी बनाना, एस्टर बनाना, हेक्टर बना देना, जो लेके जाए ना, जब तक कार नहीं मिल पा रही है ना अभिषेक भाई आप ही बनाइए। ये उदास होकर जा रहे हैं सभी लोग। अब एक्चुअली कल थोड़ा सा ये उंगली वाला, ये वाला, ये वाला। कार देखने के बाद हम लोग वापस चले आए हुए थे और अभिषेक भाई को कार मिली नहीं तो फिलहाल थोड़ा सा अपसेट थे, लेकिन कोई नहीं, अब देखते हैं। दिवाली के बाद उसने बोला हुआ है कि डेट आ जाएगी, तो अगर कार वापस आ जाता है तो शोरूम से मिल जाएगा। फिलहाल आज मेरे दुकान में नया काम करवाया हुआ है, नया काम ये है कि हमने बोर्ड लगवाया हुआ है, बोर्ड में दिखा रहा हूँ कैसा मेरा बोर्ड बना हुआ है। ये मेरा जो LED बोर्ड है हमने लगवा दिया, इनका वेट बहुत मैंने किया कि ये बास बल्ली खोल देंगे तो मैं लगवाऊंगा, लेकिन ये लोग भरोसा नहीं है। अब तो फिलहाल उम्मीद ही छोड़ दिया है मैंने कि ये कभी ये खोलेंगे, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा, इस पे ग्लास लगने वाला था बिल्डिंग पर तो वो लग नहीं रहा है, तो हमने कहा कि अब लगवा ही दो, क्योंकि किसी को पता लग नहीं पाता कि मेरी शॉप कहाँ पर है, अगर ये ऑन रोड लगा हुआ है तो सबकी नज़र पड़ेगी। तो दोनों साइड है ये, इधर से जैसे लिखा हुआ है मिस्टर बोल द पेट शॉप, और दिखा रहा हूँ किस साइड से, इधर से भी दिखेगा दोनों साइड से, तो ये है और ये आकाश निकलियो के सामने, आकाश निकलियो जो है ये है सामने जो पर्पल वाली बिल्डिंग है ये, और मेरी दुकान जो है ये है जो सामने आपको दिख रहा है, अरे सॉरी, ये सामने वाली दुकान मिस्टर बोल्ट के साथ मेरी फ़ोटो भी है। तो हमने फाइनली ये बोर्ड लगवा दिया है, सिंपल सा, अच्छा सा, हमको ठीक लग रहा है, तो चलो अभी चलते हैं। और ये मेरी दुकान कम स्टॉक है तो थोड़ा सा हो सकता है कि जब आप आए तो कुछ चीज़ें कम मिले, लेकिन फिर भी हमने ज़रूरत की चीज़ें जो होती है डॉग और कैट की सब कुछ रखा हुआ है। बाकी मिस्टर बोल्ट का जो नाम है यहाँ पर, यूट्यूब चैनल भी है मिस्टर बोल्ट का, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये रहा एक छोटा सा व्लॉग, सुबह फिलहाल सोचा नहीं था व्लॉग बनाऊँगा लेकिन बना लिया है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए